उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने मुस्लिम नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर ये धमकी दी थी, लेकिन जब उन्हें पकड़ा गया और पूछताछ हुई तो पता चला कि ये दोनों आरोपी हिंदू हैं। ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा नाम के ये दोनों ही आरोपी गोंडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसटीएफ के मुताबिक इनका सरगना देवेंद्र तिवारी नाम का शख्स है, जिसने राजनीतिक लाभ के लिए इन दोनों से ये काम करवाया था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। वहीं मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर बीजेपी को जमकर घेरा है। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपीएसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को, तो इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है, और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है, ये खलीहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टर माइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ लिया, इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है, तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो ये है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, तहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।